हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का फूलों के शहर, राजा महाराजाओं के शहर कन्नौज में। आज मेरा फेस देखो कैसा हो रहा है, मेरी तबीयत नहीं सही है ना, इस वजह से बड़ी उलझन सी हो रही थी। तो अपने लेप के लिए पूड़ियाँ बनाई थी, वो रखी थी, तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी झाड़ू पोछा सारा काम करने के बाद। तो मैंने पूजा वगैरह की, फटाफट से दो पूड़ियाँ रखी थी, वही मैंने आलू फ्राई किए और फटाफट से खा ली। और आज खाने में क्या बना रही हूँ, दाल जो मैंने लहसुन से फ्राई करूँगी। सर्दियाँ हैं तो जलता है, दाल हमारी बन चुकी है। लहसुन, हींग, जीरा, लाल मिर्च नहीं, कड़ी नहीं डाली है, खड़ी लाल मिर्च नहीं डाली है मैंने। और मैं सीधा चाय भी रख दी है मैंने बनने के लिए। और चावल, चावल भी मैं फ्राई करूँगी क्योंकि शाम का टाइम है। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें लहसुन, हींग, जीरा, और फ्राई करके चावल बनाऊँगी। बस यही बनाया है खाने में आज का, शाम का डिनर यही है। सर आ गए, पर एक बार चाय हमारी बन चुकी है और दोबारा से सर की चाय बन रही है। जो भी पीना चाहे पी सकता है दोबारा, पर हम नहीं पीते। मेरी किचन बहुत गंदी लग रही है, मुझे भी खुद शर्म आती है। पर मैं सोच रही हूँ एक दो दिन में किचन की साफ़ सफाई, साफ़ सफाई तो है हमारी, ऐसी बात नहीं है। बस ये अलमीरा को मैंने बंद किया था ना, वो बहुत गंदी लग रही है। इसका जो रैपर मंगाया था ना, वो ख़राब हो गया, मैंने फेंक दिया फिर। और यूपी की जान आलू फ्राई वो कर रही हूँ मैं, तो हरी धनिया, हरी मिर्च काट ली है और कर रही हूँ आलू फ्राई। हम लोगों में ज़्यादातर जैसे दाल चावल बनाए आलू फ्राई कर लो, और हरा धनिया तो आलू की जान होती है ना, तो उसमें डाल दी है। तो बस चावल पक चुके हैं। और बता, मेरे मुँह से जल्दी जल्दी में कुछ से कुछ निकल रहा है, तो फटाफट से। और मैं आपको अपने बचपन की यादें दिखाती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग बचपन में, बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं हमारे, पर मुझे अच्छी लगती है। मुरमुरिया नहीं बोलते वो, मैंने कहा नहीं मिलती, कह रहे मिलती तो है, तो मैंने आज वही मंगाई है। तो पहले हम छोटे थे तो 1 रुपये में 4 मिलती थी, खूब खाते थे हम लोग, पर आजकल के तो बच्चे खाते नहीं हैं। मेरी एक फ्रेंड है ना, उसकी तबीयत नहीं सही है, इस वजह से थोड़ी बड़ी उसको देखने भी नहीं जा पाए। तो अभी हो रही है हमारी सुबह की पूजा, और पूजा करने के बाद भूख 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 बहुत तेज लगाती है ना। वही झाड़ू पोछा काम हम करते, सुबह का बच्चों को भेजना, बहुत सारा काम हो जाता है। तो हमारे यहाँ गैस के पहले पैर छूते हैं, उसके बाद में मैं कुछ बनने के लिए रखूँगी। और शाम को किचन में पोछा लगा के डाल दिया था मैंने, और फिर बच्चों का रास्ता बनता है, कुछ ना कुछ फिर से सफाई कर दी किचन की। और अब चाय बनने रख दी है और मैं बनाऊँगी यमी सा नाश्ता। और आज ये थोड़े लेट उठे थे ना, इनकी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, तो इस वजह से मैं कर रही हूँ बैठ बैठ के सफाई। वैसे तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, बस बेड पे पोछ नहीं सफाई की थी। ये उठ चुके हैं तो मैं इस बेड को भी साफ़ कर देती हूँ फटाफट, बीच में और भी काम। और यहाँ पे ये मैंने बेसन, थोड़ी दाल चने रखे थे तो बेसन पिसवा लिया, घर की पिसी हुई चीज़ अच्छी होती है ना। और ये मूँग है, मूँग खड़ी मूँग छिलके वाली, इसका थोड़ा आपको आटा अच्छा नहीं लग रहा, जैसे नहीं बाजरे का आटा हो। और ये मूंग की दाल पिसवाई है मैंने, और आज मैं इसी के नाश्ता बनाऊंगी, इतना हेल्दी नाश्ता होता है ना। और यहाँ पे ये हींग डाल दी मैंने, जीरा, नमक और प्याज, मतलब काट के नहीं डाला, थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है चॉपर में हल्का सा, क्योंकि फिर ऐसे बनाओ ना चीला अच्छे नहीं बनते हैं। मेरी उंगली भी कट गई,
बहुत कस के लग जाती है, इसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है। तो बस इसमें मिला लिया प्याज, और इसे देखने में आपको थोड़ा नहीं अच्छा लगेगा, पर इसका टेस्ट आप बेसन वाले चीला बनाओगे उससे अच्छा होगा, पर हेल्दी होता है, हम मेन बात तो ये है। और ये धुली हुई मूंग की दाल की बनाओ ना तो एकदम वाइट वाइट सा होता है, पर छिलके वाला अच्छा होता है ना, कहते हैं। बस मूंग मंगाई थी मैंने, उसको भीन के साफ कर ली, धुल दी और पिसवा ली, बस हो गया हमारा बैटर तैयार। धुल इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये आजकल तरह तरह की दवाइयाँ वगैरह लगा देते हैं ना, घुने वगैरह नहीं। देखिए हमारा चीला कितना अच्छा एकदम तैयार हो गया ना, बहुत अच्छा। पहले इन्होंने देखा तो मुंह बनाने लगे, फिर जब खाया तो करे अरे टेस्ट तो बहुत अच्छा है इसका। घर में सभी लोग खा चुके हैं लगभग, और एक लोग दीदी आ गई थी, फिर उनको भी चाय और ये चीला खिलाया, और नमकीन वगैरह होता जो भी होता वही सब। तो वो दीदी चली गई थी दीदी के साथ घूमने, अब मैं अपने लिए बना रही हूँ दो, बस दो, किसी ने दो किसी ने ढाई, ज़्यादा नहीं, बस अच्छा खासा नाश्ता हो गया था। और फिर क्या, मैंने बना ली तहरी, थोड़ी सी डाल दी थी, मैंने कहा कोई खाएगा तो खाएगा, और दही वगैरह ले लिया था। ये हमने अपने लिए बनाया है, सोचा था बच्चे आएंगे उनके लिए भी रख दूंगी, पर क्या है बैटर ख़त्म हो गया था, मैंने कहा फिर किसी दिन बनाऊंगी तो बच्चों। आज मेरा गला एकदम बैठा बैठा सा लग रहा, बहुत अजीब सा। तो उन दीदी आई थी, उन्होंने दो ही खाए थे, कह रहे बस इसमें, क्योंकि हेल्दी होता है ना एकदम से, आपका पेट भरा भरा लगेगा। और ये बच्चे कुछ ही की मालकिन मैं हूँ, तो बैटर हो चुका पूरा ख़त्म, तो मेरे भी नसीब नहीं। गुच्छे की मालकिन मैं हूँ, तो दो चीलिए बड़े बड़े मैंने अपने लिए बना लिए। इसी के साथ वीडियो का एंड कर रही हूँ, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती है। राधे राधे, हमारा भी नाश्ता रेडी हो चुका है, आप लोग भी आ जाइएगा, प्लेट लग चुकी है गर्मा गर्म एकदम नाश्ता।